आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम जहां कहीं भी मुझे टीचर्स डे की विशिंग किया ना यार ऑल ओवर इंडिया मुझे बिहार के बच्चे ने राजस्थान के बच्चे ने जम्मू कश्मीर के बच्चे ने मतलब कहां कहां से यार इंडिया के अलग अलग हिस्से से आपने मुझे टीचर्स डे करा है मैंने सबका रिप्लाई तो नहीं किया ना कर पाया मैं उन सभी को इस वीडियो के थ्रू यार बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक छोटे से गांव छोटे से डिस्ट्रिक्ट से उठकर एक इंडिया लेवल के बच्चों को पढ़ाऊंगा यार आई नेवर एवर थॉट वैसे टीचर्स आपकी लाइफ में बहुत होंगे बहुत हैं भी लेकिन फिर भी आपका ये जो प्यार मेरी तरफ है ना यार दिस इज दिस इज समथिंग दैट इज अनडिफ्रेंस थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ लव आई विल ट्राई ये मैं वो आपको हर एक चीज दू जिसकी आपको जरूरत है यार लाइफ में ना मैंने एक चीज सीखी है कि टीचर्स क्या होते हैं ना कि टीचर आपका नॉलेजेबल हो दैट्स द अनदर थिंग वो आपको पढ़ा रहा है दैट्स अनदर थिंग बट क्या वो चीजें आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा मैटर यही होता है कि सामने वाले टीचर आपको जो सिखा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो थैंक यू यार थैंक यू सो मच आपने मुझे इतना प्यार दिया ना कि आई विल नेिव इट बैक टू यू बट कोशिश जारी है कोशिश करते रहेंगे कोशिश में क्या है और इसी कोशिश को जारी रखते हुए यार मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की सजेशन मिली एमसीक्यूज की आपके क्लास के साइंस के टर्म में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर नाइन इन सभी चैप्टर से आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ना वो एमसीक्यूज मिलेंगे जो एमसीक्यूज आपके टीचर आपके टर्म वन के एग्जाम में देगा येस मैं ये बोल रहा हूं देगा तो इसलिए क्या करो यार एक घंटे का पूरा फ्री टाइम निकालो और ये वीडियो जरूर देखो बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ना आपको कोई और मेंडी क्विज खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रस्ट मी यू कैन ट्रस्ट मी एक और बात है यार और आपके फायदे की बात है तो मैंने आपको सोचा बता ही दू आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एमएस एक्सएल का कोर्स आपके लिए फ्री करा के दिया था जिसमें लाखों बच्चों ने एमएस एक्सएल फ्री में सीखा था एमएस एक्सल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको सीखने की जरूरत पड़ती है ठीक है वैसे ही कुछ एक और नया कोर्स में आपके लिए लेकर आया हूं और वो भी बिल्कुल फ्री भाई फ्री है तो आपको सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सिर्फ आपको फ्री करना है उसे ठीक है आपका जो ये वाला कोर्स है ये फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये अलग अलग जो फाइनेंशियल अमेरिका में ना 90 परसेंट लोग पॉवर्टी लेवल से ऊपर हैं क्यों क्योंकि वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं तो अगर आपको भी अपने पैसे से अगर आपके पास सौ रुपए भी है दो सौ रुपए भी है उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके डबल करना चाहते हो ट्रिपल करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखना चाहिए डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं आपने सुना होगा कि अलग अलग कंपनियां अपनी आईपीओ निकालती हैं। ये आईपीओ क्या होता है म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाते हैं कैसे स्टॉक मार्केट में रिस्क को मैनेज करते हैं इन सभी चीजों का बिगिनिंग लेवल से आपको सिखाया गया है ये कोर्स है ठीक है आपको करना क्या है बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक आप लिंक लिंक मिलेगी जस्ट क्लिक क्लिक ऑन द जैसे ही आप पर करोगे आपके सामने कुछ ऐसा वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा आपको करना क्या है बस आपको इनरोल नाव पर क्लिक करना है जैसे इन रोल नाव पर क्लिक करोगे आप नए यूजर हो तो आपको रजिस्टर करना है रजिस्टर पर क्लिक करो ऊपर रजिस्टर करने पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप फेसबुक गूगल जिस चीज से रजिस्टर करना चाहो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो क्योंकि गूगल मुझे सबसे आसान लगता है ठीक है आप अपनी जीमेल आई सेलेक्ट करो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एजुकेशनल हाइक्स ठीक है आप जी मेल आई सेलेक्ट करने के बाद ठीक है आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा यहां तो मैं डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपसे कुछ डिटेल मांगेगा आपका नाम आपका नंबर मांग सकता है आप इंडिया में रहते हो इंडिया सेलेक्ट करना आपका स्टेट और आपका पिन कोड ये डिटेल्स मांगेगा आपसे डिटेल्स भर के अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देना उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के वेब पेज पर वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको फिर से इनरोल नाव पर क्लिक करना है आप जैसे इनरोल नाव पर क्लिक करते हो ना आप पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाते हो देख रहे हो आप चार हजार सात सौ बीस रुपए का ये कोर्स है बस आपको कूपन कोड वाले ऑप्शन में जाकर एक कूपन कोड डालना है एफ एम ट्वेंटी वन एफ एम ट्वेंटी आप जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो ना आप देख रहे हो आपका जो कोर्स है वो जीरो रुपए का हो गया है ठीक है तो बस आपको अब स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कर देना है और आपके सभी स्टॉक मार्केट की वीडियोस अब आपके हाथ में है आप सीख सकते हो जो चाहो वो सीख सकते हो तो यार कोई नई चीज सीखना बुरी बात तो नहीं है ना तो लिंक पर क्लिक करो फटाफट रजिस्टर करो और सीखो बात करते इस वीडियो की मजा आने वाला है एक घंटा बिल्कुल फ्री करके बैठना पापा मम्मी बोल दो डिस्टर्ब नहीं करने का ठीक है चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना नए यूजर्स पुराने तो है ही चलो started। Hi स्टार्टेड welcome वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन में फिर से वापस आ गया हूँ, ऑन डिमांड वीडियो लेकर आप ही के क्लास के साइंस सब्जेक्ट का टर्म वन एग्जामिनेशन जो सेप्टेंबर लास्ट से कई स्कूलों में स्टार्ट हो रहा है कई अक्टूबर में स्टार्ट होंगे यस दिस ईयर 2021 और 2022 के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मतलब इसमें हमने फिलिंडा ब्लैंक्स भी रखे हैं, इसमें हमने आपके लिए ट्रू और फॉल्स भी रखे हैं और इसमें हमने आप ही के लिए एमसीक्यूज भी रखे हैं। और

टोटल आपका जो टर्म वन एग्जाम होने वाला है वो मार्क्स का होगा तो याद रखना इस चीज को और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एजुकेशनल हाइक्स के नेम से वो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे चाहे टेलीग्राम चैनल हो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो वट जाकर फॉलो करो यार क्योंकि ये जो

करना चाहिए ठीक है सो लेट्स स्टार्टेड हम स्टार्ट करेंगे आपको पता है कि टर्म ऑन का जो साइंस का सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर नंबर टू है हमारा चैप्टर नंबर फाइव है चैप्टर नंबर सिक्स है चैप्टर नंबर एट है और चैप्टर नंबर नाइन है दैट मीन टोटल फाइव चैप्टर आपके टर्म ओन के साइंस के एग्जाम में आ रहे हैं और पांचों चैप्टर से हमने एमसीक्यूज रखा है टोटल कुछ सिक्सटी सिक्सटी एमसीक्यूज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिलेंगे ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर टू यानी सबसे पहला चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहा है चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड क्या हमारी अगल बगल की चीजें शुद्ध है प्योर है या एमप्योर है ठीक है ये चैप्टर है हमारा हमने पढ़ लिया है आपको सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर वन विच सिपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर दिपरेशन ऑफ नंबर वन

फ्लावर अलग-अलग कलर के होते हैं ना उन पेटल्स में से हम नेचुरल कलर्स को निकालते हैं तो किस मेथड से निकालते हैं ये आपको बताना है ठीक है तो नंबर वन इज के टी लीप फ्रॉम टी यानी जो आप चाय बनाते हो ना उसमें चाय की पत्तियां रह जाती हैं आप उनको कैसे अलग करते हो अरे बहुत आसान सी बात है मेरे भाई फिल्ट्रेशन की मेथड से फिल्ट्रेशन मेथड से कौन से मेथड से फिल्ट्रेशन की मेथड से आप चाय की छन्नी लेते हो और चाय को उसमें डालते हो जितनी भी चाय की पत्तियां होती हैं वो फिल्टर होकर अलग हो जाती हैं ठीक है फिल्ट्रेशन मेथड से सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सल्यूशन इन वाटर सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हो जो हमारे घरों में नमक आता है अगर हम नमक को पानी में मिला दें तो उस नमक को वापस तुम कैसे पानी से अलग करोगे हाँ एक मेथड होता है एवोपोरेशन नाम सुना है अरे बिल्कुल सुना होगा मेरे भाई गर्म करने को एवापोरेशन कहते हैं ठीक है तुम कभी भी सॉल्ट सल्यूशन को ना गर्म करोगे तो जितने भी पानी है वो गायब हो जाएंगे और सॉल्ट तुम्हारा नीचे बच जाएगा ठीक है तो सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन से हम कैसे अलग कर सकते हैं एवापोरेट करके समुद्र के पानी के अंदर से भी नमक इसी मेथड से निकाला जाता है एवापोरेशन मेथड से ठीक है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड अगर किसी बालू के अंदर तुमने बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे पिंस मिला दिए है ना तो तुम उसको मैग्नेटिक मेथड से अलग कर पाओगे कौन से मेथड से मैग्नेटिक मेथड क्या करो एक बड़ा सा चुंबक ले लो और चुंबक को बालू के अगल बगल ले जाओ जितनी भी आयरन पिंस हैं उनके अंदर इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक पावर होती है कि वो तुम्हारे चुंबक से तुरंत चिपक जाएंगे ठीक है तो आप मैग्नेटिक मीटर से आयरन पिन और सैंड को अलग कर सकते हो अच्छा आखिरी वाला आता है कि भाई फ्लावर पेटल्स के अंदर से फॉर जो रोज के फ्लावर होते हैं हैं वो रेड कलर के होते ना तो हम उसमें से रेड कलर को निकालते हैं ताकि और कहीं यूज कर सके ठीक है रेड कलर को कैसे निकाल पाओगे तुम किसी भी फ्लावर के कलर को कैसे निकाल पाओगे क्रोमैटोग्राफी नाम सुना है हमने पढ़ा था इस चैप्टर में क्रोमैटोग्राफी जी हां क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही होता है क्रोमा का मतलब होता है कलर्स ठीक है आप जिस मेथड से कलर्स को अलग करो दैट मेथड इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी तो आप फ्लावर पेटल्स के अंदर से अलग अलग पिगमेंट्स को क्रोमेटोग्राफी मेथड से अलग कर सकते हो इट okay? चलो अब ये तो थोड़ा लंबा था आगे क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि वॉट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट यानी कह रहा है कि भाई अगर किसी लिक्विड में तुम सॉल्ट यानी नमक को मिलाते हो ठीक है और उसके बाद उसके टेम्परेचर को तुम बढ़ाते हो उसको गर्म करने लगते हो तो भाई सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? अब क्या होगा कि जब हम इनको गर्म करने लगेंगे हम इनको फायर देंगे होगा क्या ये छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स है ये, 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 मूव करने लगेंगे जिनसे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी ठीक है जितना तेजी से पार्टिकल मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी भी नहीं कांस्टेंट भी नहीं रहेगी और नन ऑफ द एब भी नहीं होगा ठीक है याद रखना हमेशा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं ठीक है समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चूज अ होमोजेनियस मिक्सचर फॉलोइंग होमोजीनियस का मिक्सचर तो पता है ना आपको होमोजीनियस का मतलब होता है भाई जो परफेक्टली मिक्स हो जाए जो पता ही ना चले कि इसके अंदर कुछ मिलाया भी गया है ठीक है तो इन चारों में से वो कौन सा है चलो अगर तुम चीनी और बालू को एक साथ मिलाते हो तो पता चल जाएगा अरे अपने दोस्त को मिलाकर दिखा तुम्हारा दोस्त तुरंत बता देगा कि अरे तुमने इसमें तो बालू मिलाया है सैंड मिलाया है तो ये तो होगा नहीं ठीक है होमोजीनियस का मतलब होता है जो पता ना चले ठीक है अच्छा कोको कोला कोको कोला के अंदर अगर तुम बर्फ के स्क्वायर्स जो क्यूब्स होते हैं वो मिला दोगे तो क्या पता नहीं चलेगा बिल्कुल पता चलेगा यार तो ये भी होमोजीनियस नहीं है सुगर इन वाटर, हां अगर तुम पानी के अंदर चीनी मिलाते हो ना तब किसी को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर चीनी मिलाया गया क्योंकि सुगर परफेक्टली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ एंड दैट इज आवर होमोजेनियस मिक्सचर सो ग्रीन वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर है कंक्रीट का मतलब होता है पानी के अंदर सीमेंट मिलाना तो वो भी हमें आसानी से देखकर पता लग सकता है कि इसके अंदर सीमेंट मिलाया गया है ठीक है तो कंक्रीट भी नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन इज वॉट सुगर इन वॉटर क्वेश्चन नंबर फोर हाउ हो बचला गया अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई हाउ वुड यू कंफर्म कलरलेस लिक्विड गिंग टू यू इज अ प्योर वॉटर तुम्हें कैसे पता चलेगा मान लो कोई भी बेरंग सी लिक्विड हमने तुमको दे दिया अब तुम कैसे पता लगाओगे कि वो प्योर वॉटर है पानी, तुम पता लगाओगे? अब देखो आपको पता है यार जो प्योर water होता है वो कलरलेस होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता ठीक है तो क्या सभी कलरलेस चीजें प्योर water होती है क्या जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती वैसे ही हर कलरलेस लिक्विड वाटर नहीं होता प्योर वॉटर नहीं होता तो तुम इसे कैसे पता लगाओगे क्या इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तुम एक बात याद रखना कि सॉल्युबिलिटी किसकी होती है जो चीज़ मिलाया जाता है, ठीक है वाटर तो किसी में नहीं मिलाया जाता ना यार वाटर के अंदर सारी चीजें मिलाई जाती है तो सॉल्युबिलिटी केवल सॉल्यूट की होती है सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी नहीं होती और वाटर हमारा क्या है सॉल्वेंट है गॉट इट तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा अच्छा आ, क्या हम इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है प्योर वाटर तभी होगा वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए कोई भी कलरलेस लिक्विड अगर तुम्हें दे दिया जाए उसे गर्म करो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप बनने लगता है व्यापर बनने लगता है समझ जाओ कि वो क्या है प्योर वाटर है ठीक है बाई ड्रिंकिंग इट अरे कैसे पता लगाओ यार पी के कैसे पता लगा सकते हो कि वो प्योर वाटर है पी लिया कुछ अलग सेलग से निकल गया तो हो गया तुम तो गए बेटा ठीक है ऑल ऑफ द भी नहीं होगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बाई चेकिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट गॉट इट अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं यार ये थोड़ा सा टिपिकल है क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सबस्टेंसेस आपके पास चार ऑप्शन है और बताना इन चारों में से कि भाई इन चारों में से प्योर कौन सा है फ्रूट सैलड अच्छा प्योर का मतलब तो आपको पता है ना प्योर का मतलब क्या होता है जिसमें सिंगल कॉम्पोनेंट हो क्या हो सिंगल कॉम्पोनेंट हो हमेशा याद रखना प्योर का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही तरीके के कॉम्पोनेंट हो एक ही तरीके के मटेरियल हो फ्रूट सैलेड अरे फ्रूट सैलेड सलाद होता है भाई सलाद में कितनी सारी चीजें मिलाई जाती है टमाटर प्याज खीरा अलग अलग चीजें मिलाई जाती है ना तो फ्रूट सैलेड तो हमारा सिंगल कंपोनेंट नहीं है मडी वाटर जो आपका कीचड़ का पानी होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है ऑयल होता है और फिर वाटर होता है फिर सैंड होता है मिट्टी होती है अलग अलग चीज़ें होती हैं तो ये भी नहीं होगा हमारा मर्क्यूरी जी हाँ मर्क्यूरी इज आवर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मर्क्यूरी इज अ प्योर सबस्टेंस मर्क्यूरी हमेशा सिंगल कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है और दूध भी नहीं क्योंकि दूध के अंदर भी हमें क्या क्या मिलेंगे फैट मिलेगा कैल्शियम मिलता है और प्रोटीन मिलता है तो दूध भी हमारा प्योर नहीं है क्या है इन चारों में से प्योर मरकरी याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स आपके पास यहां पर चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में से तीन आपके पास मिक्सचर है एक आपके पास सल्यूशन है आपको वही सल्यूशन कौन सा इन चारों में से बताना है सल्यूशन क्या होता है ये आपको तो पता है अभी सल्यूशन का मतलब होता है कि भाई सल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया जाए तो वो बन जाता है हमारा सल्यूशन जैसे नमक को पानी में मिला दिया जाए सल्यूशन है चीनी यानी सुगर को पानी में मिला दिया जाए सोल्यूशन है ठीक है पता लगाओ अब चलो सबसे नंबर वन है है मिट्टी मिट्टी क्या मिट्टी कोई है? नहीं मिट्टी एक तरीके का मिक्सचर होता है इसमें अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं मिनरल्स हो गया, हो गया गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा सोडा वाटर सोडा वाटर भी हमारा एक तरीके का मिक्सचर है इसमें सीओ टू गैस मिलाई जाती है वॉटर मिलाया जाता है ठीक है तो ये भी हमारा क्या है मिक्सचर है दिस इज नॉट अ सल्यूशन नाउ कोल यानी कोयला क्या कोयला सल्यूशन है क्या अरे नहीं यार कोयला सल्यूशन नहीं कोयला मिक्सचर है ठीक है क्योंकि भाई कोयला किसी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता तो सल्यूशन तो बन ही नहीं सकता कोयला ठीक है सी वॉटर यानी समुद्र का पानी जी हाँ यही आपका करेक्ट ऑप्शन है समुद्र के पानी के अंदर सॉल्ट मिला हुआ होता है और सॉल्ट वाटर में परफेक्टली मिक्स हो जाता है इसलिए हम इसको सल्यूशन कहते हैं ठीक है थीके? तो सी वाटर क्या है हमारा एक तरीके का सल्यूशन है नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग विल सो टिंडल इफेक्ट इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टिंडल इफेक्ट शो करे टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसके पार्टिकल्स से टकराकर लाइट बिखर जाए दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट ठीक है अच्छा अब बताओ क्या सॉल्ट सोल्यूशन में तुम टिंडल इफेक्ट देख सकते हो नहीं क्योंकि भाई सॉल्ट के पार्टिकल परफेक्टली मिक्स मिक्स हो हो जाते हैं. हो जाते हैं हैं पार्टिकल्स तो कौन लाइट को फैलाएगा कोई नहीं तो सॉल्ट सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी नहीं होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिल्क याद रखना टिंडल इफेक्ट केवल कोलाइड्स में शो होते हैं केवल कोलाइड्स केवल कोलाइड्स ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं ऊपर वाला दोनों सोलूशन है मिल्क हमारा कोलाइड है ठीक मतलब है, का मतलब होता है कि भाई जिनके पार्टिकल्स वाटर के साथ परफेक्टली मिक्स नहीं होते घूमते रहते हैं तो मिल्क के पार्टिकल वाटर के साथ परफेक्टली मिक्स नहीं होते ठीक है ठीके? तो मिल्क क्या है हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा गॉट इट लाओ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट पूछ रहा है, इन में से न, कौन सा आपका है याद रखना ये बहुत कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है आपके पास बहुत सारे ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है याद रखना केमिकल चेंज तभी होता है जब कोई चीज इिवर्सिबल हो यानी वापस वैसी चीज ना बनाई जा सके ठीक है या अगर नई चीज बन जाए बिल्कुल ही न्यू सबस्टेंस बन जाए तब भी वो केमिकल चेंज कहलाता है ठीक है चलो देखते हैं कि कोई ऐसी चीज है इसमें जो इिवर्सिबल है सबसे पहले बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी को अगर हम जला दें तो क्या ये रिवर्स किया जा सकता है नहीं यही तो इिवर्सिबल है ना भाई तुम लकड़ी को जला दिए तो क्या राख से तुम वापस लकड़ी बना दोगे क्या नहीं बना पाओगे ना तो यह हमारा केमिकल चेंज है मिल्क बिकमिंग कर्ड दूध का दही में बन जाना ये भी हैिवर्सिबल है क्या तुम दही को वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते हो कभी नहीं कर सकते तो यह भी हमारा केमिकल चेंज है डाइजेशन ऑफ फूड अगर एक बार खाना पच गया डाइजेस्ट हो गया तो क्या तुम वापस रिवर्स कर सकते हो उसे नहीं ये भी इिवर्सिबल है खाना भी हमारा डाइजेस्ट होना एक केमिकल चेंज है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑल ऑफ द एवर ठीक है केमिकल चेंज का मतलब समझ गए जिसको हम रिवर्स ना कर सकें क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज कौन सा होता है भाई जस्ट अपोजिट जिसको हम रिवर्स कर सकें जिसको हम वापस वैसा ही बना सके ठीक है नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ कैरामल फ्रॉम सुगर मतलब चीनी के चीनी की मदद से कैरामल अगर हम बना दें तो क्या ये रिवर्स किया जा सकता है क्या ये रिवर्सिबल है नहीं कैरामल का मतलब होता है जो चॉकलेट होता है ना हमारा वो एक तरीके का कैरामल ही है बस चॉकलेट को हम फ्रिज कर देते हैं तो वो चॉकलेट बन जाता है ठीक है तो भाई ये हमारा केमिकल चेंज है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा बेकिंग ऑफ कुकीज एंड केक्स यानी आटा की मदद से हम बिस्किट्स बनाते हैं क्या ये रिवर्स किया जा सकता है नहीं तो ये भी हमारा केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल है कुकिंग एनी फूड कोई खाना को अगर हम बना रहे सब्जी को काट के हमने सब्जियां बना दी तो क्या वापस तुम उसको कच्ची सब्जी बना सकते हो क्या नहीं ना तो ये भी इरिवर्सिबल है तो ये भी केमिकल चेंज है क्रसिंग अ कैन कोई मान लो कोको कोला का कैन है उसको तुमने मोड़ दिया तोड़ फोड़ दिया तो वापस वो रिसाइकल किया जा सकता है ठीक है वो वापस कैन बनाया जा सकता है कचड़े वाले इसीलिए कैन को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं ताकि वो बेच सके और वो दोबारा रिसाइकिल किया जा सके तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अ अ अ कैन कैन इज फिजिकल चेंज क्योंकि को हम रिवर्स कर सकते हैं ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ब्रोकेन इंटू सिंपलर सबस्टेंस आपके पास चार ऑप्शन है पहला है कंपाउंड बोल रहा है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं कंपाउंड नहीं यार कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बनता है बहुत सारे एलिमेंट्स जब इकट्ठा होते हैं तो बनता है कंपाउंड कंपाउंड जब टूटता है तो एलिमेंट बनता है ठीक है तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा दूसरा सेकंड ऑप्शन देखते हैं सेकंड ऑप्शन कह रहा है मिक्सचर्स क्या तुम तो मिक्सचर्स को तोड़ नहीं सकते हो तोड़ सकते हो यार मिक्सचर्स होते ही मिलावटी हैं ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं तो इसे आसानी से तुम तोड़ सकते हो तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा एलिमेंट्स जी हां यही सही ऑप्शन है एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंसेज बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट वन सबसे छोटे एलिमेंट ही होते हैं ठीक है तो इन्हें हम नहीं तोड़ सकते हैं हम कोलाइट्स को भी तोड़ सकते हैं तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा तो एलिमेंट्स याद रखना कैन नॉट बी ब्रोकन सिंपलर एलिमेंट्स सबसे छोटी इकाई होती है क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट डू वी गेट वेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड अच्छा एक बात पूछ रहा है आपसे कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को तुमने कंबाइन कर दिया यानी मिला दिया मेरी जान तो क्या बन जाएगा हाँ, क्या बनेगा यार देखो दो एलिमेंट्स हमेशा मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया ठीक है एटम्स छोटे होते हैं तो एलिमेंट्स मिलाकर एटम्स नहीं बनते हैं एटम्स मिलाकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो यहां भी ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा हाँ दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिलाए जाते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड्स याद रखना हमेशा एलिमेंट सबसे छोटा होता है एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है कंपाउंड ठीक है ऐसे ही एटम सबसे ज्यादा छोटा होता है और एटम से मिलाकर बनता है मॉलिक्यूल इट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कंपाउंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है हाउ कैन वी ऑप्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम सैंपल आपको क्या करना है मान लो प्योर कॉपर सल्फेट सल्यूशन है इसको तुम्हें इम्प्योर सैंपल से अलग करना है तो कैसे अलग करोगे याद रखना जब कभी भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की बात आए ना तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं जैसे चीनी हो गया हमारा सुगर वो क्रिस्टल्स में पाया जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी क्रिस्टल्स में पाया जाता है और इसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं ठीक है डिस्टिलेशन मेथड से भी नहीं होगा क्रोमेटोग्राफी से कलर्स अलग किए जाते हैं सिपरेटिंग फनल से दो इमिस्किबल लिक्विड यानी दो ऐसे लिक्विड जो कभी मिक्स नहीं हो सकते वो अलग किए जाते हैं तो भाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड हमारा करेक्ट ऑप्शन है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर एट की तरफ बढ़ेंगे ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है और यह भी टर्म ऑन के एग्जाम में आ रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट इन चारों ऑप्शन में से डिस्प्लेसमेंट के बारे में किस ऑप्शन में सही बात की गई है चलो पहला ऑप्शन है इट कैन नॉट बी जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या कभी जीरो नहीं हो सकता हो सकता है यार तो ये तो बिल्कुल गलत है मान लो कोई ऑब्जेक्ट चलता है वापस वहीं पर आकर रुक जाता है तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है ये बात सही नहीं है डिस्प्लेसमेंट के बारे में दूसरा इट्स मैग्निट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस के मुकाबले कभी नहीं कभी कभी नहीं क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है shortest distance, है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ठीक इनिशियल पॉइंट पॉइंट और फाइनल के बीच में शॉर्टकट रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज कह रहा है कह रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से नहीं ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट ना कभी कभी तो छोटा हो सकता है लेकिन इक्वल भी हो सकता है ऑलवेज कम नहीं होता है कभी कभी छोटा होता है और कभी कभी बराबर होता है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है हमारा न ऑफ द एब इसमें सही ऑप्शन होगा अगर इन चारों में कहीं पर इक्वल दिया होता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं तब तुम कहते हैं कि हाँ भैया हो सकते हैं ठीक है चलो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा डिवाइस है जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कार में लगाया जाता है कार के स्टेयरिंग के आगे बहुत बड़ी बड़ी मीटर्स लगे होते हैं आपने देखा होगा अब उन मीटर्स में से कोई मीटर होता है स्पीड चेक करने के लिए कोई मीटर होता है डिस्टेंस चेक करने के लिए अब डिस्टेंस को बताने वाले मीटर को हम क्या कहते हैं क्या हम उसे स्पीडोमीटर कहते हैं नहीं यार स्पीडोमीटर से तो हम स्पीड पता लगाते हैं क्या हम उसे ओडोमीटर कहते हैं जी हाँ बिल्कुल सही हम उसे ओडोमीटर ही कहते हैं कार के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं ग्रेडियोमीटर ग्रेडियंट पता करने के लिए लगाया जाता है ठीक है ग्रेडियंट मतलब होता है कि कोई चीज कितना नीचे है कोई ऊपर है तो ये ग्रेडियंट चेक करने के लिए लगाया जाता है और डायनोमोमीटर ना टॉर्क uh, को चेक करने के लिए लगाया जाता है तो भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दिस इज ओडोमीटर गॉट इट लेट्स मूव टू थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है देखते हैं थर्ड क्वेश्चन भाई कह रहा है कि डैश अस टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी हुई तो हम किस चीज की मदद से पता करेंगे क्या वो चीज जहां से शुरू हुई है चलना वहां से हमें पता लगेगा इनिशियल पॉइंट जिसे हम कहते हैं या या फाइनल पॉइंट पॉइंट से से पता चलेगा, या से पता चलेगा रेफरेंस और ये है तुम्हारे मास्टर जी ठीक है मान लो मास्टर जी को तुम्हारे घर का रास्ता नहीं पता है ठीक है अब मास्टर जी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर गर पता है वो जाएंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर गर, फिर वहां से लेंगे टर्न तब तुम्हारे घर पहुंचेंगे है कि नहीं है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर यहां पर रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो दूसरे लोकेशन का पता लगाने में हमें मदद करती है ठीक है तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज रेफरेंस पॉइंट नाउ फोर्थ वन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कह रहा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ दूर जा चुका है क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है या हो सकता है

कार चला रहे हैं और कहां पर चला रहे हैं एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चला रहे हैं तो भाई ये किस चीज का एग्जाम्पल है क्या यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है चलो एक एक करके पता लगाते हैं पहले नीचे से चालू करेंगे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है कि भीड़ भाड़ी भाड़ वाली सड़क पर हम सिर्फ सीधा चले कभी हम मुड़ भी तो सकते हैं ना है कि नहीं तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा जरूरी थोड़ी है कि भाई जिस सड़क पर पर बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां पर हम गोल गोल घूमें ऐसा भी तो जरूरी नहीं है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जी बिल्कुल यही हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि जहां पर भीड़ भाड़ होती है जहां पर लोग ज्यादा होते हैं आपकी कार कैसे चलती है कुछ चुक खुचुक रुक रुक के चलती है रुक रुक के चलती है रुक रुक के चलती है मतलब क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ठीक है यूनिफॉर्म मोशन तो होगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी तभी चलती है, जब रोड बिल्कुल खाली हो। है समझ में आया किसी भी क्राउडेड स्ट्रीट पर गाड़ी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलती है हमेशा याद रखना चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कह रहा है कि भाई रेट ऑफ मोशन को हम और किस नाम से जानते हैं रेट ऑफ मोशन यानी कोई भी चीज मोशन में है वो किस रेट से मूव कर रही है हम चल रहे हैं हम किस रेट से मूव कर रहे हैं अरे हम बाई साइकिल साइकिल चला रहे हैं हम किस रेट से चला रहे हैं हैं इसको हम स्पीड स्पीड कहते पता है कि नहीं यस रेट ऑफ मोशन को हम स्पीड कहते हैं मेरी जान तुम किस स्पीड से चल रहे हो यही तो तुम्हारा रेट कहलाएगा यही तो तुम्हारा रेट ऑफ मोशन कहलाएगा है कि नहीं एसिल हो नहीं सकता क्योंकि एसिल हम किसे कहते हैं चेंज ऑफ रेट ऑफ मोशन को ठीक है रेट ऑफ मोशन को हम सिर्फ स्पीड कहते हैं तो आई थिंक आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि भाई रेट ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं हम स्पीड कहते हैं मतलब हम किस रेट से मूव कर रहे हैं दैट इज स्पीड क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि भाई कोई कार है और वो कार 144 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है 144 किलोमीटर वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है और दो घंटे में ठीक है आपको इसका एवरेज स्पीड पता करना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार बहुत ही आसान है बचपन से पढ़ते आए हैं स्पीड पता करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड अब डिस्टेंस कितना है वन किलोमीटर टाइम कितना है दो घंटे का काट दो कितना आएगा बहत्तर किलोमीटर पर आर लेकिन यहां पर किलोमीटर पर आवर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा याद रखना किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए फाइव बाई एटीन से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो एटीन वन जा एटीन एटीन फोर जा सेवेंटी टू और 5 इंटू फोर हो गया 20 तो मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ऑप्शन है क्या बिल्कुल है यार याद रखना एवरेज स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम और उसको मीटर पर में अगर लाना हुआ तो मल्टीप्लाई कर देना से ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि अगर ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है अगर बोल रहा है कि अगर यू तुम्हें दे दिया जाए 12 मीटर पर सेकेंड मतलब अगर कोई गाड़ी है वो जब स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है और जब गाड़ी चलना बंद करती है तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है अब आपको इसी का एवरेज निकालना है तो आपको पता होता है यार एवरेज का तो फॉर्मूला ही होता है कि दो चीजें दी गई हैं तो दोनों का अपॉन कर दो प्लस करके एवरेज निकल जाएगा मतलब 12 को प्लस कर दो ट्वेंटी से अपॉन कर दो टू मान लो ट्वेंटी प्लस हो जाएगा थर्टी टू को अपॉन कर दोगे टू से तो आ जाएगा हमारा कितना 16 ना देखो कहीं ऑप्शन है बिल्कुल है यार तो एवरेज जहां भी पूछे ना तो दोनों चीज को प्लस करके बस अपॉन कर देना टू से तुम्हारा एवरेज निकल आएगा वैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू ठीक है मैंने फॉर्मूला वाली वीडियो आपको दी थी ना ऊपर आई बटन पर आप चेक कर सकते हो सारे फॉर्मूले मैंने दिए हुए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड चेंज होती है तो इसको हम क्या कहते हैं देखो स्पीड कब चेंज होती है जब हम एक्सीलरेटर पर पांव रखते हैं तभी तो स्पीड चेंज होती है ना अरे यार कोई गाड़ी की स्पीड चेंज कब होगी जब हम उसको एक्सीलरेट करेंगे ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं स्पीड कह सकते हैं क्या नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्या नहीं एवरेज वेलोसिटी कहेंगे नहीं क्या कहेंगे एसिल कहेंगे क्यों क्योंकि भाई हमने एसिल पर पावर रखा तभी तो गाड़ी की स्पीड तेज हुई तो एसिल हमारा करेक्ट ऑप्शन है ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड चेंज हो रही है कब स्पीड चेंज होती है जब एसिलेटर पर पावर रखते हैं इसको हम एसिलेशन कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम मतलब डिस्टेंस इसमें टाइम इसमें अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अब ये अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उसमें कैसी लाइन बनेगी क्या कर्व लाइन बनेगी क्या परपेंडिकुलर लाइन बनेगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल सीधे क्या बनेगी फटाफट फड़ बताओ आपको याद होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई गाड़ी चलती है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में दिस इज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा ना स्ट्रेट लाइन हमारा करेक्ट ऑप्शन है याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाई द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलॉसिटी टाइम ग्राफ कह रहा है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके बीच का जो एरिया आता है ये क्या हमें बताता है ये किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मदद किया जाता है याद रखना अगर तुम्हें कभी भी पूछे ना कि एरिया ऑक्युपाइड बिलो कोई भी ग्राफ दे दे जैसे यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी और टाइम को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आता है ऐसे ही स्पीड और टाइम को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकल कर आएगा ठीक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताती है डिस्प्लेसमेंट बताती है और स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है डिस्टेंस बताता है लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बोल रहा है कि भाई ये कौन से फॉर्मूला है ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ाया और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ा है तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम रिलेशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं क्या कहते हैं हम इसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं ठीक है याद रहेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नाउ दिस इज डन केमिस्ट्री और फिजिक्स के के पहले चैप्टर को पढ़ने बाद ना हमारा बायोलॉजी का भी पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर का भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने अपलोड कर रखा है लाखों बच्चे देख चुके हैं आपको भी देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की फटाफट जाकर देख लेना क्वेश्चन नंबर फ्रॉम योर बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि सेल वाज़ डिस्कवर्ड इन द ईयर ये तो काफी आसान क्वेश्चन है सेल को कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था इट्स आंसर इज सिक्सटीन और कौन से साइंटिस्ट ने किया था दैट इज रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि भाई फ्री लिविंग सेल्स आर डिस्कवर्ड बाय जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल्स थे सबसे पहले लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किया था और कौन से ईयर में किया था यह भी बता दो यार रॉबर्ट हुक ने नहीं इन्होंने तो डेड किया था लिविन हॉक ने जी हां लिविन हॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्हें सबसे पहली बार तालाब के अंदर फ्री लिविंग सेल्स दिखाई दिए कौन से ईयर में 1674 की बात है साइंटिस्ट कौन थे लिविन हॉक याद रहेगा ना पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया लिविन हॉक ने पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब आपके पास इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सिंगल सेल है जिसके पास मतलब ये चारों ऑर्गेनिज्म है ये चारों लिविंग ऑर्गेनिज्म है अब आपको बताना है कि इसमें से सिंगल सेल किसके पास है

स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को हम स्ट्रक्चरल यानी कोई चीज सेल से मिलकर बनी है और फंक्शनल मतलब सेल काम करेगा तभी बाकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करेंगे हम ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी सेल क्या हमारी बॉडी की सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है हा हो सकता है क्यों क्योंकि भाई जब सेल ही जो कि सबसे छोटी चीज है जब वही काम करना बंद कर देगी तो हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे काम करेंगे एक एग्जाम्पल ले लो मान लो कार के जो टायर्स है वही काम करना बंद कर दे तो क्या कार काम करेगी नहीं ना तो सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं और सभी लिविंग बींग्स सेल्स से मिलकर बने हैं इसलिए हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसे कहते हैं तो हमारा बोथ वन एंड टू इज आवर करेक्ट ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सेल्स से ऑर्गन नहीं बनते बल्कि टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं ठीक है समझ में आया तो हमारा बोथ वन एंड टू इज आवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं द सेल हैज स्पेशल कॉम्पोनेंस कॉल्ड वॉट कंपोनेंट्स की बात हो रही है बहुत सारे कंपोनेंट्स की बात हो रही है ठीक है सेल के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं जैसे हम इंसानों के अंदर बॉडी पार्ट्स हैं हम इसे क्या कहते हैं हम इसे बॉडी पार्ट्स कहते हैं वैसे ही सेल के कंपोनेंट्स को क्या हम ऑर्गन्स कहते हैं नहीं हम हम ह्यूमंस के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीजें होती है उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं टिश्यूज कहते हैं नहीं टिश्यूज से मिलकर ऑर्गेन बनती है क्या हम उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं जी बिल्कुल सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे इंडो रेटिकुलम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया मतलब बहुत सारे हैं यार किन किन का नाम लोगे तुम प्लास्टिक्स हो गया ठीक है और बहुत सारे बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन नहीं कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो कोई एक चीज तो हो नहीं सकता तो ऑर्गेनल्स हमारा करेक्ट आंसर है याद रखना जैसे हम इंसानों के पास क्या है ऑर्गन हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वैसे ही सेल के पास ऑर्गेनल्स हैं ये इनके बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं ठीक है समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ कि द आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इनवाट कह रहा है कि भाई ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको ये अंदर वाली जिस बाउंड्री से सेल के कॉम्पोनेंट और बाहर के इन्वायरमेंट से अलग ये जो बाउंड्री करती है इन दोनों को इस बाउंड्री को क्या कहते हैं याद रखना इस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या हम इसे आ, क्या कह सकते हैं हम इसे सेल मेम्ब्रेन की जगह हम इसे सेल की बाउंड्री भी कह सकते हैं ठीक है समझ में आया सेल मेम्ब्रेन या सेल की बाउंड्री कह सकते हैं सेल की बाउंड्री का क्या काम होता है ये सेल के अंदर की चीजों को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है सेपरेट करती है अलग करती है सिपरेट करती है ठीक है चलो याद रखना हाँ एक बात और मैं बता दू सेल वॉल भी एक चीज होती है लेकिन सेल वॉल बाहर वाले वॉल को कहते हैं और सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है यहां पर सभी सेल की बात हो रही है ना तो सभी सेल के अंदर एक बाउंड्री जरूर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल के अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से अलग करता है अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्यों कहते हैं इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल या इट अलाउज ओनली सॉलिड मटेरियल या इट ओनली अलाउज या इट कैन सेलेक्ट मटेरियल्स कौन सा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि मेम्ब्रेन को हम क्यों कहते हैं? मेरे भाई, because it allows exchange of only selective materials. क्योंकि जो सेल है ना वो कुछ ही चीजों को सेल के अंदर आने देता है और कुछ ही चीजों को सेल के बाहर जाने देता है ये क्या करता है ये मटेरियल्स को सेलेक्ट करता है और उन्हीं का एक्सचेंज अलाउ करता है इस वजह से ये क्या है सेलेक्टिवली कहलाता है। चालो, की बात करते है, as well as दो सेल आपस में गैसेस को एक्सचेंज करते हैं या सेल के अंदर से, सेल के बाहर की इन्वायरमेंट में भी गैस जाता है या आता है ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे तुम क्या इसे डिफ्यूजन कहोगे हाइपरटेंशन कहोगे, ऑस्मोसिस कहोगे या प्लाज्मोलिसिस कहोगे चलो नीचे से देखते हैं प्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं जब सेल के अंदर से पानी निकलता है और जिसकी वजह से सेल छोटा हो जाता है इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं ठीक है लूजिंग ऑफ वाटर ऑस्मोसिस क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाइपरटेंशन किसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को और डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना ठीक है तो एक सेल से दूसरे सेल में गैस क्या करते हैं फैलते हैं डिफ्यूज करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा डिफ्यूजन होगा ठीक है लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर क्या कह रहे? कह रहा रहा है है कि भाई एब्जॉर्न ऑफ वॉटर बाई प्लांट रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट याद रखना जब कभी भी वॉटर एब्जॉर्ब हो रहा हो मतलब क्या हो रहा है ऑस्मोसिस हो रहा है ठीक है और कभी वाटर लूज हो रहा हो मतलब वाटर निकल रहा हो तो उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं ठीक है थीके? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑस्मोसिस होगा ऑस्मोसिस कहां है ऑस्मोसिस कहां है ऑस्मोसिस इट इज द थर्ड ऑप्शन ठीक है जब कभी भी आस... देखो आपका जो प्लांट्स होते हैं जो आपके प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो अगल बगल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्बन ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं याद रखना ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं डैश हैव अ पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस बोल रहा है कि भाई ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो अच्छे से डिफाइन नहीं होते मतलब सेल uh, है और इनके न्यूक्लियस भी ऐसे ऐसे कहीं पर हैं इनकी बाउंड्री नहीं होती ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री नहीं होती है क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक या यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री है और कई सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री है तो यूनिसेलर मल्टी सेलर तो हो नहीं सकता हाँ बिल्कुल यू कैरियो क्या होता है यू कैरियॉर्स होता है जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री होती है और प्रो कैरियॉर्ट्स उसे कहते हैं जिनकी न्यूक्लियस में बाउंड्री नहीं होती तो पूछ रहा है किसकी न्यूक्लियस में बाउंड्री नहीं होती दैट इज प्रो कैरियो याद रहेगा इसकी डिफिनिशन भी यही होती है कि भाई सेल्स having poorly defined nucleus are known as prokaryotes cells having well defined nucleus are called eukaryotes ठीक है समझ में आया क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करते हैं कि डैश वर्क्स एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम फॉर अ सेल यानी सेल का डस्टबिन किसे कहते हैं मतलब सेल के अंदर जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है गोल्गी अपार्टस इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम न्यूक्लियस या Lysosomes. तो गोलगी पार्टस तो बिल्कुल हो नहीं सकता इंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम का काम क्या होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सेल के अंदर अलग अलग चीजें पहुंचाने का काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल सारे एक्टिविटीज को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम इन तीनों का नहीं है किसका काम है लाइजोजोम का काम है जैसे हमारे पेट के पास क्या है हमारे पेट के पास स्टमक है ठीक है स्टोमक क्या करते है? खाने को डाइजेस्ट करता है बिल्कुल ऐसे ही सेल का स्टोमक लाइजोजोम होता है क्या करता है लाइजोजोम सेल जो भी फूड एब्जोर्व करता है इसको डाइजेस्ट का लाइजोजोम का और लाइजोजोम जैसी फूड को डाइजेस्ट करती है जो वेस्ट चीजें होती है इसको डिस्पोज कर देती है यानी बाहर निकाल देती है तो लाइजोजोम याद रहेगा लाइजोजोम खाने को डाइजेस्ट करती है सेल के अंदर

तो वो क्यों बनता है क्लोरोफिल की वजह से बनता है ठीक है तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल का ऑर्गेनल है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है ठीक है और यही क्लोरोप्लास्ट को मदद करती है खाना बनाने में इसलिए सेल का किचन ऑफ द सेल हम क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं ठीक है याद रहेगा सो दीज ऑल आर द ट्वेल्व क्वेश्चन दैट वी हैव इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी लेट्स मूव टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स यानी टिश्यूज ठीक है चलो ये चैप्टर अभी तक एजुकेशनल हाइक चैनल पर अपलोड नहीं किया गया है बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टू थ्री डेज में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा ठीक है सो कीप अपडेटेड नाउ क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैड डेड सेल्स देखो चार तरीके के टिश्यूज होते हैं अब इन चारों तरीके के टिश्यूज में ना एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास डेड सेल्स होते हैं बाकी के पास लिविंग सेल्स होते हैं वो कौन सा टिश्यू है पेरेन काइमा स्केलेन या एपी हेलिकल शुड बी द करेक्ट आंसर याद रखना काइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जिनके जो सेल वॉल होते हैं ना वो मोटे होते हैं और इनके पास डेड सेल्स होते हैं कैसे सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं बाकी सभी के पास सेल्स होते हैं पेरनकाइमा के पास जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा पतला होता है इपिथेलियल टिश्यू के पास भी जो सेल वॉल होता है वो पतला होता है बाकी सभी के पास मोटा यानी थिक सेल वॉल होता है और इन सभी के पास लिविंग सेल होते हैं सिवाय स्केलर एंड काइमा के गॉट इट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू गर्थ ऑफ स्टेम का मतलब होता है थिकनेस ऑफ स्टेम मतलब भाई प्लांट का जो मोटापा होता है वो किस टिश्यू की वजह से बढ़ता है कौन से कौन से टिश्यू हैं चलो देखते हैं प्लांट मोटे किस टिश्यू की वजह से होते हैं वो देखेंगे हम सबसे पहला आपके पास है एपिकल मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम इंटर कैलरी मेरी स्टेम और वर्टिकल मेरी स्टेम इन सारे टिश्यूज में से वो कौन सा टिश्यू है जो प्लांट की मोटापा के लिए मदद करता है याद रहे जो एपिकल मेरी स्टेम होता है ना वो क्या होता है वो रूट्स में और शूट्स में जो नए सेल्स होते हैं जो न्यू सेल्स होते हैं उनको ग्रो करने में मदद करती है लैटरल मेरी स्टेम इंटर कैलरी मेरिस्टेम इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं ये लंबे होने में लॉन्ग होने में मदद करते हैं वर्टिकल और एक होता है लैटरल मेरिस्टेम। मैं आपको बता दूं कि लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस स्टेम के मोटापा के लिए कौन जिम्मेदार होता है दैट इज लैटरल मेरी स्टेम याद रहेगा हमेशा बिल्कुल लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच सेल डज नॉट हैव perforated सेल वॉल perforated का मतलब क्या होता है जिसके अंदर होल्स हों इन चारों में से कौन से सेल के अंदर होल्स नहीं होते हैं देखो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि कंपेनियन सेल्स इसमें भी होल्स होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये लोग कर पाएं क्या कर पाएं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ठीक है और सीव ट्यूब्स ये फ्लोएम के अंदर पाया जाता है फ्लोएम के अंदर पाया जाता है इसके अंदर भी क्या होते हैं होल्स होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके वेसल्स के अंदर भी होल्स होते हैं ताकि ये अपने अंदर के मटेरियल्स को बाहर और बाहर के मटेरियल को अंदर कर सके ठीक है केवल जो ट्रैकिट्स होते हैं याद रखना ये नाम भी अलग है ट्रैकिट्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो लंबे होते हैं और हॉलो होते हैं मतलब इनका अंदर का जो होता है पार्ट एकदम खाली होता है इसलिए इनके इनके पास होल्स नहीं होते इन्हें होल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये ये अंदर जो भी है ना वो पूरा खाली है इनका जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो अंदर से ही हो जाता है इनको होल्स नहीं चाहिए मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए ठीक है तो याद रहेगा कि कौन सा सेल होता है जिसमें होल्स नहीं होते कौन सा सेल्स होता है जो परफोरेटेड होते हैं दैट इज ट्रैकिट्स बाकी सभी के पास होल्स होते हैं ठीक है केवल इकलौता ऐसा टिश्यू होता है सेल होता है जिनके अंदर होल्स नहीं होते हैं लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर फोर इंटेस्टाइन एब्सॉर्व द फूड मटेरियल्स व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंटेस्टाइन हमारा खाना एब्जॉर्व कर लेता है अब कौन से एपिथेलियल सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं देखो भैया आपको मैं बता दूं कि इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन स्मौल इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं क्या कहते हैं म्यूकोसा म्यूकोसा कैसे बना होता है म्यूकोसा बना होता है भाई फोल्ड से ऐसे फोल्डिंग होती है ऐसे क्या होती है फोल्डिंग होती है ऐसे 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 फोल्डिंग होती है इन फोल्ड्स को हम विली कहते हैं क्या कहते हैं विल्ली कहते हैं ये विल्ली जो है ये बहुत सारे माइक्रो विल्ली से बने होते हैं माइक्रो विल्ली से बने होते हैं और ये माइक्रो विल्ली जो होते हैं ये कौन से सेल की वजह से बनते हैं दैट इज ऑफ एपिथीलियम एपिथीलियम कौन से सेल्स कॉलोमिनियर एपीथिलियम और कॉलोमिनियर एपीथिलियम क्या करते हैं ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि फूड को एब्सॉर्व किया जा सके ठीक है सो करेक्ट आंसर इज ियम ना फिफ्थ क्वेश्चन एक पर्सन है एक इंसान है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ के जो दोनों लंबे बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं यानी अपनी जगह से हट जाते हैं विच एमंग फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे हाथ में ना दो लंबे बोन्स होते हैं और इन बोन्स को हम क्या कहते हैं इन बोन्स को एक को हम कहते हैं रेडियस और दूसरे को हम कहते हैं उल्ला क्या कहते हैं रेडियस एंड उलना तो कह रहा है कि भाई एक्सीडेंट की वजह से इस इंसान के रेडियस और उलना दोनों अपनी जगह से हट गए हैं इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है क्या इसका टेंडन टूट गया है क्या स्केलेटल मसल टूट गया है क्या लिगामेंट ब्रेक हो गया है या एरोलर टिश्यू ब्रेक हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो दोनों लंबे बोन्स होते हैं हमारे जो दोनों लंबे बोन्स होते हैं ठीक है वो एक लिगामेंट से बंधे होते हैं किससे बंधे होते हैं लिगामेंट से लिगामेंट क्या करते हैं लिगामेंट इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है अगर लिगामेंट टूट गया मतलब ये अपनी जगह से हट जाएंगे तो लिगामेंट ब्रेक होने की वजह से ही डिसलोकेशन होता है यानी हड्डी खसकती है तो किस वजह से वो लिगामेंट टूटने की वजह से लिगामेंट क्या है लिगामेंट एक रबड़ का बैंड है समझ लो जो कि अपने बोन्स को पकड़ कर रखता है होल्ड करके रखता है अगर यही बैंड टूट गया तो भाई बोन्स अपनी जगह से हट जाते हैं लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि भाई विच वन ऑफ इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्या होता है हमारे स्किन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है हमारा जो स्किन है ना स्किन के ऊपर एपिडर्मिस पाया जाता है जिसको हम छिलका कहते हैं प्लांट के अंदर भी एपिडर्मिस पाया जाता है आपने देखा होगा आप ओनियन के अंदर से एक पतली सी झिल्ली निकाल सकते हो बस उसी झिल्ली को हम एपिडर्मिस कहते हैं तो कह रहा है कि भाई चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एपिडर्मिस का काम नहीं है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन ये ये तो काम होता है एपिडर्मिस का इपिडर्मिस क्या काम करती है तीन काम करती है एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है प्रोटेक्शन का दूसरा रेगुलेशन का काम करती है मतलब पसीना आ रहा है तो इसको बाहर करना ठीक है और एक काम करती है सेंसेशन का यानी किसी चीज को टच करके हमें फील क्यों होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इपिडर्मिस ठीक है तो भाई प्रोटेक्शन का काम तो करती ही करती है दूसरा देखते हैं क्या करता है इपिडर्मिस इसमें पूछ रहा है कि एपिडर्मिस क्या नहीं करता है ठीक है तो ये तो करता है तो ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं दूसरा गैसियस एक्सचेंज क्या गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है इपीडर्मिस बिल्कुल करता है मेरे भाई इपीडर्मिस में क्या होते हैं जो प्लांट की इपीडर्मिस होते हैं जो प्लांट के बाहरी छिलके होते हैं उनके अंदर होता है स्टोमेटा स्टोमेटा में होते हैं छोटे छोटे होल्स जो गैस को अंदर बाहर करने में मदद करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर काम का नहीं होता है ये काम होता है वेजल्स का इसका काम होता है? वेजल्स का और वेजल्स कहां पाए जाते, है? जाते हैं ये जाइलम में पाए जाते हैं जाइलम कहां है अंदर पाया जाता है ठीक है तो जाइलम के अंदर होते हैं वेजल्स और वेजल्स का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर ठीक है तो कंडक्शन ऑफ़ वाटर वर्क विच इज नॉट डन बाई एपिडर्मिस नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं इज नॉट फाउंड इन जाइलम टीशूज कौन सा ऐसा चीज है जो जाइलम टिश्यूज में नहीं पाया जाता है सीव ट्यूब्स जैलन पेरन काइमा ट्रैकेट्स या Vessels. तो मैं आपको बता दूं कि भाईलम पेरन कायमा ये तो ज़ाइलम के अंदर पाया ही जाता है ट्रैकेट्स भी पाया जाता है क्योंकि ट्रैकेट्स का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना वेजल्स भी पाया जाता है लेकिन सीव ट्यूब्स नहीं पाया जाता सीव ट्यूब्स कहाँ पाया जाएगा आपको फ्लोएम में मिलेगा ठीक है जाइलम फ्लोएम दो होते हैं ना तो भाई सीव ट्यूब्स आपको फ्लोएम में मिलेगा चलो क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू भी कर, कहते हैं ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज ग्रो कब करती है जब सेल्स क्या होते हैं डिवाइड होते हैं सेल्स डिवाइड होंगे सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस इंसान का ग्रोथ होगा ठीक है है तो बोल रहा है कि भाई ऑफ़ द फॉलोइंग टिक टिश्यू सेल डिवाइड नहीं कर सकते गलत बात है ये क्यों क्योंकि भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो वो बढ़ने में मदद कैसे करेंगे इनको हम ग्रोइंग टिश्यूज कहते हैं ठीक है ये बढ़ने में मदद करते हैं चलो तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल ये भी गलत है क्योंकि भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू बहुत जगह पाया जाता है लीप्स में स्टेम में रूट्स में हर जगह पाया जाता है तो ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से तो बिल्कुल नहीं बना हुआ है नाउ थर्ड कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिविजन बिल्कुल सही ऑप्शन है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो सेल डिवाइड करने में सक्षम होते हैं ये सेल डिवाइड करते हैं तभी मेरिस्मेटिक टिश्यूज किसी चीज को बढ़ने में मदद करते हैं ठीक है सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड कंपोज ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिविजन लेट्स मूव टू अवर फो नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू इन चारों में से कौन सा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है तो लिगामेंट और टेंडन ये दोनों बोन के अंदर पाए जाते हैं और बोन हमारा क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है बोन बोन हमारा क्या क्या है है एक कनेक्टिव टिश्यू ये लिगामेंट्स होते हैं को कनेक्ट करने के लिए ही यूज किए जाते हैं टेंडन भी और ब्लड भी ब्लड टिश्यूज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो भाई ये तीनों क्या है ये तीनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं सो ऑल ऑफ द एवब हमारा करेक्ट आंसर होगा चलो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है है कि भाई रैपिड रैपिड ऑफ अ स्टेम इज ड्यू टू का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो बैंबू के पेड़ होते हैं जो बांस के पेड़ होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं और बहुत तेजी से इनकी लंबाई बढ़ती है तो इनके लंबाई के पीछे का राज क्या है क्या ये एक कॉम्प्लैन पीते हैं नहीं कौन सी टिश्यू की वजह से ये बैंबू के पेड़ लंबे होते हैं लैटरल की वजह से नहीं क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम थिकनेस को बढ़ाता है मोटापे को बढ़ाता है लंबाई को नहीं इंटर कैलरी मेरी स्टेम ये हाइट को बढ़ाता है ये हाइट को बढ़ाता है एपिकल मेरी स्टेम ये क्या करते हैं ये ग्रोथ में मदद करते हैं मतलब अगर कोई नया सेल है तो वो कैसे बढ़ता है एपिकल की वजह से तो भाई बैंबू के पेड़ क्या होते हैं बहुत हाइटेड होते हैं तो हाइट बढ़ाने में कौन मदद करता है दैट इज इंटर कैलरी मेरी स्टेम क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करेंगे कि भाई द फंक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग इन अ सेल इज अंडरटेन बाई च पार्ट ऑफ सेल बोल रहा है कि भाई जो सेल का रिसाइकलिंग होता है मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिसाइकिल करना या जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं उसको डिस्पोज करना यह किसका काम होता है क्या न्यूक्लियस का काम होता है क्या क्रोमोजोम का काम होता है लाइजोजोम का काम होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो तो ये काम करते नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस क्या करते हैं ये एनर्जी देने का काम करते हैं क्रोमोजोम का क्या काम होता है ये डिवाइड करने के काम में आते हैं मतलब कोई डॉटर सेल है कोई मदर सेल है तो वो डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है दिस इज ड्यू टू क्रोमोजोम लाइजोजोम इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि लाइजोजोम को हम क्या कहते हैं सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम करते हैं ये जितने भी वेस्ट चीजें हैं इनको रिसाइकिल करने का काम करते हैं अवर लास्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल होगा नहीं क्योंकि बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल तो हमारा करेक्ट ऑप्शन उसमें क्या होगा लाइजोजोम होगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोल रहा है कि द नोट ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन नोट्स ऑफ रैनवियर ये जो देख रहे हो दैट इज कॉल्ड नोट्स ऑफ रैनवीयर ये किस में पाया जाता है नॉप सेल्स में हर्ट सेल्स में लीवर सेल्स में या ऑल ऑफ दी ये कौन सा सेल है दैट इज नॉप सेल ठीक है नब सेल इतने लंबे होते हैं कि इन्हें नोट्स ऑफ रैनवीयर की जरूरत पड़ती है तो नोट्स ऑफ रैनवीयर कहां पाए जाते हैं आपके टर्म वन में आने वाला लास्ट चैप्टर होगा और ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर भी है ठीक है चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स after holding the ball shot at the goal this enables the goalkeeper to बोल रहा है कि भाई साहब जब कोई भी फुटबॉल को अपने पैर से मारता है तो गोलकीपर क्या करता है उसको पकड़ता है जब पकड़ता है ना गोलकीपर इसे तो अपने हाथ को वो थोड़ा पीछे ले जाता है क्यों इसकी वजह से होता क्या है नंबर 1 exert large force on the ball क्या बॉल पे ज्यादा ताकत लगाने के लिए ऐसा किया जाता है या इंक्रीज द फोर्स exerted by द बॉल या बॉल का फोर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है या इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है या बॉल की स्पीड को घटाने के लिए यूज किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी बॉल आप क्रिकेट में भी कैच पकड़ते हो ना तो बॉल को पकड़कर थोड़ा सा पीछे जरूर ले आते हो क्यों ताकि तुम उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सको कम कर सको ठीक है तो बाकी ये तीन ऑप्शन आपके गलत है हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि भाई विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द टेक ऑफ ऑफ द रॉकेट जब रॉकेट आसमान में जाता है तो उस समय क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहा है आपसे कि विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन दिस टेक ऑफ ऑफ द रॉकेट जब रॉकेट आसमान में जाता है तो उस समय न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है कौन सा कौन सा रॉकेट of जब रॉकेट हमारा में जाता है, तो इस समय को आसमान में जाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन सा लॉ यूज होता है मैं आपको बता दूं कि भाई जो रॉकेट होता है ना वो आसमान में क्यों जा पाता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने गैसेस छोड़ता है धुआं को छोड़ता है आपने जब रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो बहुत सारा धुआं नीचे जाता है ठीक है तो ये कौन से लॉ पर काम करता है दिस ऑन थर्ड थर्ड लॉ लॉ ऑफ ऑफ मोशन मोशन है ना कि एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन धुआं पीछे जाता है रॉकेट आगे जाता है मतलब इतनी प्रेशर से धुआं नीचे फेंकता है कि ये रॉकेट को आगे की तरफ पुश कर देता है ठीक है तो एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे हमारा रॉकेट काम करता है गॉट इट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि भाई एक वाटर टैंक है एक पानी की टंकी है जो अपने हाइट का टू थर्ड भर चुका है मतलब एक पानी की टंकी है ठीक है ये मान लो पानी की टंकी है और ये अपनी हाइट का टू थर्ड फिल हो चुका है ये वाटर है सब क्या है ये ये सब वाटर है पानी है टू तो थर्ड ये टंकी भर चुकी है अब पूछ रहा है आपसे कि भाई ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वॉटर इन द टैंक वुड मान लो कि किसी भी पाइप से इसमें पानी आ रहा है ठीक है अब जब पानी आता है जब पानी इसमें गिरता है तो ये पानी क्या होता है ये आगे की तरफ मूव करता है यहां से गिरने के बाद ये आगे की तरफ मूव करता है बोल रहा है कि अचानक पानी गिरना बंद हो जाए तो क्या इस टंकी का पानी जो है वो किस तरफ मूव करेगा क्या वो पीछे की तरफ मूव करेगा आगे की तरफ मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करेगा रेस्ट में आ जाएगा मतलब बिल्कुल रुक जाएगा या इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं यार कि जब टंकी चल रही थी तो पानी किस तरफ मूव कर रहा था आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ अब जब टंकी एक बार रुक गई पानी देना तो भाई इस टंकी का जो पानी है ना वो अब भी आगे की तरफ ही मूव करेगा क्यों क्योंकि इनर्सिया की वजह से इनर्सिया क्या कहता है इनर्सिया कहता है कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे अगर कोई बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो आगे की तरफ ही मूव करते रहना चाहिए ठीक है तो दिस इज ड्यू टू इनर्सिया और पानी की टंकी आगे मूव करेगी समझ में आया चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी

नहीं गलत ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि रॉकेट के लॉन्च में ही देख लो रॉकेट ऊपर जाता है लेकिन फोर्स धरती पर पड़ता है धुएं का जो फोर्स होता है वो नीचे पड़ता है ठीक है तो ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी और अपोजिट डायरेक्शन एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी और अलग अलग बॉडीज पे वर्क करेगी तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है बाकी तीनों हमारे ऑप्शन

स्टेट ऑफ मोशन ना बदले इस चीज को रोकने के लिए इनर्सिया का यूज होता है या फ्रिक्शन की वजह से स्पीड को कम करने के लिए इनर्सिया का यूज होता है तो मैं आपको बता दूं कि भाई इनर्सिया का मतलब ही होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्सिया उसको रेस्ट में ही रखने की कोशिश करती है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो इनर्सिया इस चीज को मोशन में ही रखने की कोशिश करती है ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इनर्सिया स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करने देता है चेंज करने से रोकता है चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलॉसिटी बिकम्स हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी वॉट सेम, बिकम 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 डबल, हाफ या फोर टाइम्स। आपको मैं बता दूं कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है एम मल्टीप्लाइड बाई वी तो कह रहा है कि भाई अगर हम मास को डबल कर दें, मान लो मास हमारा पहले दो था ठीक है आ, और इसको हमें क्या करना है इसको हमें डबल करना है मास को और वेलोसिटी को हमें हाफ करना है वेलोसिटी को हमें क्या करना है हाफ करना है आधा करना है तो भाई लीनियर मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा मान लो मास हमारा पहले दो था और वेलोसिटी मान लो पहले हमारी चार थी तो मोमेंटम कितनी हो जाएगी चार इंटू टू हो गया आठ ठीक है अब दूसरे केस में देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम मास को डबल कर दें यानी दो की जगह चार को कर दें और वेलोसिटी को हाफ कर दें यानी चार की जगह दो कर दें तो क्या चेंज आएगा चार दुनिया आठ कोई चेंज नहीं हुआ यस रिमेंस सेम ठीक है समझ में आया चलो तो हमारा रिमेन सेम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अच्छा बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं कि वेन अ कार एट हाई स्पीड्स मेक्स यो साफ टर्न मतलब कि एक कार है एक कार है जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रही है ठीक है बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रही है मान लो वो आगे जाकर उसे घूमना होता है तो आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर है जब कार घूमती है तो ड्राइवर थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में झुक जाता है अपने आप ऐसा क्यों होता है दिस इज ड्यू टू इनर्सी ऑफ मोशन इनर्सी ऑफ टाइम इनर्सी ऑफ रेस्ट या इनर्सी डायरेक्शन तो मैं आपको बता दूं यार, या केवल मोशन का ही होता है, है? तो इनर्सिया हमारा करेक्ट ऑप्शन है बाकी हमारे तो जब टर्न लेते हो ना तो आप ऑलरेडी एक तरफ झुक जाते हो ये क्यों होता है दिस इज ड्यू टू इनर्सी मोशन ठीक है चलो लेट्स मूव टू तो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वजन है यानी मास है वो यम है और वेलोसिटी वी है तो मोमेंटम क्या होगा मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया है मोमेंटम को हम कहते हैं पी ठीक है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाइड बाई वी यानी एम वी ठीक है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा फोर्थ वन एम वी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एम है वेलोसिटी वी है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम का वो बन जाएगा एम ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं कि अ बैट्समैन हिट्स अ अ क्रिकेट बॉल देन रोल्स ऑन ग्राउंड कह रहा है कि भाई एक बैट्समैन है जो बॉल बॉल को मारता है धीरे 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 जमीन से चिपक कर आगे बढ़ती है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यह बॉल रुक जाती है ऐसा क्यों होता है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ क्या बैट्समैन उतनी जोर से बॉल को नहीं मारा था इसलिए बॉल रुक गई या प्रपोर्शनल टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल मतलब जिस स्पीड से बॉल चल रही है और जितना फोर्स लगाया गया है वो दोनों बराबर है इसलिए हो गया है नहीं यार ये सब फालतू की बातें हैं देखो यहां पर एक ऑप्शन लिखा गया है कि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन बिल्कुल सही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर काम करता है आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम करता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है उस ऑब्जेक्ट को चलने से रोकता है उसे पीछे की तरफ खींचता है ठीक है तो हमारा जो क्रिकेट का बॉल होता है वो थोड़ी दूर ग्राउंड पर जाने के बाद ऑटोमेटिकली रुक क्यों जाता है दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग मोशन की वजह से ठीक है समझ में आया चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है आपसे कि जब हम बलून को अपने दोनों हाथों से दबाते हैं तो इसका शेप बदल जाता है बिल्कुल बदल जाता है क्योंकि भाई बलून मुलायम होता है उसको जिस तरफ दबा दोगे वो उस तरफ दब जाएगा तो ये ऐसा क्यों हो पाता है क्या बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं बैलून पर मतलब हम बहुत कम प्रेशर लगा रहे हैं बहुत ही बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं बैलून पे इस वजह से बलून का शेप चेंज हो जाता है या हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स बलून में लगाओगे तो बलून फूट जाएगा क्या कर जाएगा बलून क्रैक कर जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बलून पे लगेगा नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तब लगता जब जमीन पर होता तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन द बलून ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहा है कि भाई एक कार है द स्पीड ऑफ अ कार वे फिफ्टी हंड्रेड के जी यहां पर मास दे दिया है ठीक है कार का जो वजन है वो लगभग पंद्रह किलो है वो अपनी स्पीड बढ़ाता है छत्तीस किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रही थी कार और फिर वो बहत्तर किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलने लगती है अब आपसे बोल रहा है कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज का क्या है फॉर्मूला हमारा m मल्टीप्लाइड बाई यही तो फॉर्मूला है ना तो मास क्या है 1500 सो ठीक है और वेलोसिटी क्या है 36. छत्तीस किलोमीटर पर आवर है ना तो छत्तीस किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 18 से वन जा 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 टू टू ठीक है मतलब क्या है 5 टू जा जन मतलब मतलब हमारा जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 10 होगी ठीक है तो 1500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन जब तुम करोगे तो ये लगभग तुम्हारा आंसर आएगा फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है ये तो पहले केस में था जब हमने जब गाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही थी तो इसका जो था वो पंद्रह था ठीक है, अच्छा, है बहत्तर को तुम मीटर एटीन से मल्टीप्लाई करके एटीन फोर जावेंटी टू होता है और फाइव फोर जावेंटी होता है ठीक है चलो देखते हैं कितना चेंज हुआ है वही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम एम मल्टीप्लाईड बाई वी यानी मास मास कितना है मास है हमारा केजी और वेलोसिटी कितनी है हमारी ट्वेंटी ठीक है मल्टीप्लाई कर दो हमारा कितना आ जाएगा लगभग तीस हजार आ जाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि कितना चेंज हुआ मोमेंटम में पहले पंद्रह हजार था फिर तीस हजार हो गया मतलब पंद्रह हजार चेंज हुआ है मोमेंटम में पंद्रह हजार मीटर पर

ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की शेप पर किस चीज पर डिपेंड करता है इनर्सिया तो मैं आपको बता दूं कि भाई इनर्सिया हमेशा बॉडी के वजन पर डिपेंड करता है मतलब जितना लार्जर बॉडी का वजन होगा उतना लार्जर इनर्सिया होगी उसकी ठीक है इनर्सिया कम है मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी कम है मास ज्यादा है मतलब इनर्सिया ज्यादा है तो इनर्सिया किस चीज पर डिपेंड करता है जितने भी क्वेश्चन so, so आपको, अच्छा आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा इसलिए जरूर करना यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए सश्री अकाल